कहने पर लक्ष्मण ने नाक कान काटे और वो जाकर रावण से कहने लगी, विरूप पहाहे हैं कि जिनको शिवधनुष उठाने जैसा है, लेकिन जिस कार्यक्रम में माता रत्नवैरणी गाया जाता है उस कार्यक्रम में सूरधे त्याचा लंकापति नहीं गाया जाता, क्योंकि गले की 12 बजा। फड़के साहब का ये जमी सारे टिल्ले पिल्ले बंदरों ने सेतु का निर्माण किया और सारे के सारे बंदर सेतु के निर्माण पर जोर से गाने लगे, सियावर राम चंद्र की। इतनी सी आवाज लंका तक कैसे पहुंचे? आपको दूध पीने के लिए मिले, आप जरा ताकत लगाइए, सियावर राम चंद्र की। देखो दूध के नाम से कितनी ताकत है। ये आधुनिक राम कथा है, इसमें जब तक पुल का उद्घाटन नहीं होता तब तक पुल चालू नहीं होता। तिलक नगर बिलासपुर जाला, आज शरद पूर्णिमा के उत्सव पर राम कथा का आयोजन यहाँ किया गया है और उस आयोजन में इंदौर से पधारे श्री अभय मांडके एवं श्रीमती अपर्णा मांडके, इनका यहाँ पर आज ये हो रहा है शरद पूर्णिमा के अवसर पर। इनका इंदौर से लोग आए हुए हैं और 11 बजे तक यह 11:30 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा और शारदा उत्सव के निमित्त ही शरद पूर्णिमा के उत्सव पर ही इस कार्यक्रम को किया गया। प्रमोद काले, सचिव श्री राम मंदिर तिलक नगर बिलासपुर। राम